अब सेक्युलरिज्म की जब बात करते हैं तो ये धर्मनिरपेक्षता की चीज जो है संविधान में पहले कहीं स्पष्ट तौर पर नहीं लिखी गई थी। ठीक है, अभी भी भारत की संविधान की प्रस्तावना देखोगे तो वहां पर एक पंथ निरपेक्ष वर्ड हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में सेक्युलर मिलेगा। ठीक है, सेक्युलर का मतलब दोनों ही निकलता है, पंथ निरपेक्ष भी धर्म निरपेक्ष भी। अब भारत के संविधान में कई सारे ऐसे आर्टिकल है, प्रावधान है जो भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाते हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब ये है, सिंपल सा समझिए कि भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है भाई। ठीक है, भारत में सारे धर्म बराबर हैं, सभी धर्म को सम्मान दिया जाएगा, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, सबको कुछ समान स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिंपल सी इतनी सी मतलब है, इतना सा बात है। तो भारत धर्म निरपेक्ष है, अधिकार बहुत अच्छे हैं, इसीलिए देखो दूसरे देशों के सताए हुए लोग भी भारत में आकर के रहना चाहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जितने भी सताए हुए लोग हैं सब आना चाहते हैं, इसीलिए CAA भी लाया गया है ना। तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर है। अब भारत की प्रस्तावना जो है उसके अंदर जो 42वें संविधान संशोधन की हमने बात की थी, उसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। तो ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। बुक जो है इसमें धर्म निरपेक्ष लिखा गया है, इसको काट देना है, ये गलत है, सही कर लेना है, करेक्शन कर लेना है, पंथ निरपेक्ष आएगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष यहां पर आएगा, ये कर लेना है। तो ये कई सारे अधिकार हैं जो भारत को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं, जैसे समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक, समान नागरिक संहिता वाला, नीति निदेशक तत्व में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक बड़ा अंतर है, पश्चिम में जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर भी धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत का धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट और पश्चिमी सभ्यता जो है उनका धर्म निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो संकल्पना है, उसमें बड़ा अलगाव है। पश्चिम की सभ्यता जो है, पश्चिम की धर्म निरपेक्षता जो है, वो क्या कहती है कि भाई चर्च, धर्म और राज्य दोनों अलग अलग होंगे, दोनों किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अलग, चर्च अलग होगा, राज्य अलग। लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, वो ये कहती है कि धर्म और राज्य अलग अलग नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी राज्य हस्तक्षेप करेगा धर्म में, कोई भी धर्म, धर्म की परंपरा, रीति रिवाज अगर संविधान का उल्लंघन करेगा, अमानवीय होगा, राज्य इंटरफेयर करके उसको बदलेगा। जैसे तीन तलाक, सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरीके की चीजें, इस तरीके की प्रथाओं को हमने बदला, रोका, खत्म किया, है ना। तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, पूर्ण रूप से अलगाव नहीं है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता धर्म से पूर्ण रूप से अलगाव को दिखाता है। तो ये एक यूनिक फीचर, एक यूनिक विशेषता है भारत की।